Hello friends, please subscribe my channel Knowledge Mom. Hi friends, आज ये जीके की वीडियो में मैं ध्वनि बता रही हूँ। ध्वनि के बारे में आइए जानते हैं। तो ध्वनि से रिलेटेड जितने भी अब तक के पूछे हुए क्वेश्चन, चाहे जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट्स, वो सारे मैंने बताया है इसमें। तो ध्वनि को सबसे पहले जानते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि ध्वनि कैसी तरंगें हैं। तो सबसे पहले जानिए कि तरंग तरंग दो तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? एक यांत्रिक और अयांत्रिक, एक मैकेनिकल वेव्स और एक नॉन मैकेनिकल वेव। तो यांत्रिक तरंग कहते हैं जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस इत्यादि। और अयांत्रिक तरंगों को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो साउंड किस में रखा गया है? तो साउंड को रखा गया है यांत्रिक तरंग में, ठीक है। तो पूछा जाता है ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसके पहले जानेंगे कि ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो कैसे उत्पन्न होती है। तो वस्तुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, और ध्वनि एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। यांत्रिक तरंग वह तरंग है जो पदार्थ के कंपन के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि को पूछा जाता है ध्वनि की तीव्रता जो है उसका मात्रक क्या है, तो डेसिबल, यानी कि ध्वनि को हम लोग मापते हैं किसमें? डेसिबल में। अब आइए, ध्वनि कितने तरह की होती है, ठीक है। ध्वनि में आता है जैसे श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि जो होते हैं ये हम सब इसे सुन सकते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है श्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है कितने से कितने तक होती है, ठीक है। तो श्रव्य ध्वनि होती है 20 Hz से लेकर 20,000 Hz, जिसको कि हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। इतने आवृत्ति की ध्वनि क्या होती है? ऑडिएबल, यानी कि सुनने के लायक होती है, जिसे हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और इसे मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। अपश्रव्य ध्वनि, ठीक है, इंफ्रास्टोनिक वेव, इसमें पूछा जाता है कि अपश्रव्य ध्वनि जो है कितने से कितने तक होती है। तो ये 20 Hz से नीचे की आवृत्ति की जो ध्वनि होती है वो होती है अपश्रव्य। ये जो है हमारा कान इसे नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट है पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, कहता है इसकी जो आवृत्ति होती है कितनी होती है, तो इसकी आवृत्ति 20,000 Hz से ऊपर होती है, ठीक है। 20,000 Hz से जो इसकी आवृत्ति ऊपर होती है, हम लोग बोलते हैं उसे पराश्रव्य ध्वनि, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब पराश्रव्य तरंग जिसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, इसे हमारा कान नहीं सुन सकता। और नहीं सुन सकता का मतलब कि 20,000 Hz से जब ऊपर हो जाती है ध्वनि तो हम उसे सुन ही नहीं सकते, ठीक है। इसे कौन सुनता है? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब सुन सकते हैं। और पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि चमगादड़ जो है कौन सी ध्वनि को सुन सकता है, चाहे बिल्ली या कुत्ता, तो ये होता है हमारा पराश्रव्य तरंग, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं हम लोग इसे। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जिसको जिसका कि याद कर लीजिए इसे कि 20,000 Hz से अधिक होता है, और अधिक होने के कारण एवं तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण इसे दूर तक भेजा जा सकता है। और चूंकि जब इसे दूर तक भेजा जा सकता है तो इसके कुछ उपयोग है। तो पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग किस चीज में होते हैं? तो संकेत भेजने में, ठीक है। नेक्स्ट है कि समुद्र की गहराई का पता लगाने में, जो कि हम लगाते हैं किस चीज से? तो सोनार से। कीमती कपड़े, वायुयान तथा घड़ी के पुर्जे साफ करने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को मारने में, और गठिया रोग एवं मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने में, यानी कि चिकित्सा विज्ञान में इसका यूज किया जाता है। अब आता है ध्वनि के लक्षण। तो ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण है। तो क्या क्या? तीव्रता, जिसे हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं या लाउडनेस कहते हैं। नेक्स्ट होता है तारत्व, जिसको कि हम लोग पिच कहते हैं, और गुणता, ठीक है, जिसको क्वालिटी हम लोग कहते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं हम लोग तीव्रता किसे कहते हैं। तो तीव्रता क्या है? तो तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि धीमी या मंद या फिर तीव्र या प्रबल सुनाई देती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि जोर से बोलना, धीमी गति से बोलना। बहुत सारे हैं लोग जो जोर से बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत ही धीरे बोलते हैं। तो ये जो लक्षण दिखाई देते हैं किसके कारण? तो ध्वनि की तीव्रता के कारण। नेक्स्ट है हमारा तारत्व, जिसे हम लोग पिच कहते हैं। तो तारत्व क्या है? ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि मोटा,
ठीक है, या तीक्ष्ण यानी कि श्रील कहते हैं जिसे, वो सुनाई देता है। ठीक है, तो तारत मोटा या फिर तीक्ष्ण सुनाई का मतलब है तीखा, जैसे हम लोग बोलते हैं तीक्ष्ण को। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जेंट्स की आवाज करीबन कितनी क्या होती है, मोटी होती है, और जितनी भी लेडीज होती हैं चाहे बच्चे जो होते हैं उनकी आवाज क्या है, तीखी होती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि का मोटा होना या फिर तीखा होना या किसके कारण होता है, तो यह होता है तारत्व के कारण। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है, और क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि तारत्व जो है किस पर निर्भर करती है, तो तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व भी बढ़ेगा, और जैसे ही आवृत्ति की जो है कम होगी वैसे इसका तारत्व भी कम होता जाएगा। नेक्स्ट आता है गुणता, जिसको हम लोग क्वालिटी कहते हैं। तो ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान तीव्रता तथा समान तारत्व की ध्वनि में अंतर प्रतीक होता है उसे गुणता कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, तीव्रता और तारत्व। तीव्रता मीन्स क्या, धीमी, या फिर क्या होता है, प्रबल सुनाई देता है, यानी जोर या तेज से जो बोला जाता है उसे कहते हैं। और तारत्व क्या था, जिससे मोटी आवाज और पतली आवाज ये निकलती है, फिर तीखी हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, गुणता में तो ये क्या होता है कि समान तीव्रता चाहे तारत्व में अंतर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम जो किसी भी आदमी की आवाज बिना देखे उसे हम पहचान जाते हैं कि ये उस आदमी की या उस व्यक्ति की आवाज है। तो ये जो हम पहचानते हैं यानी कि हम उसमें अंतर करते हैं, मोटे पतले चाहे तो तीखे आवाज में, ठीक है, तो धीमी या फिर तेज आवाज, इन सब में हम क्या कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं। तो उसे ही हम लोग कहते किस कारण, तो गुणता के कारण हम लोग ऐसा करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि पूछा जाता है कि साधारण बातचीत का कितना है डेसिबल, जोर से बातचीत, ऑर्केस्ट्रा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे एक नजर देख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो साधारण बातचीत का पूछा जाता है। तो साधारण बातचीत की जो होती है वो कितनी होती है, तो 30 से 40 डेसिबल का जो होता है तीव्रता, ये होता है क्या, साधारण बातचीत का। जोर से बातचीत का कितना होता है, 50 से 60 डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, 100 डेसिबल। ठीक, सायरन का क्या होता है, 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान का 140 से 150 डेसिबल, और मिसाइल 180 डेसिबल। और जब 50 से 60 तक तो ठीक है डेसिबल की साधारण बातचीत या फिर जोर हल्ला वगैरह जो भी हो, 100 तक ठीक है ऑर्केस्ट्रा का होता है, लेकिन जब 100 से जो ही ऊपर आता है तो वो सारे ध्वनि जो है हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं, वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं हमारे कानों को। नेक्स्ट आते हैं, ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। निर्वात का मतलब कि यदि अगर इसे कोई माध्यम नहीं मिले तो ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में, और उससे कम गैस में, और निर्वात में तो होता ही नहीं है। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी, 332 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें एक जरा सा सुन लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक है, तो हमारा आंसर होता है ठोस। लेकिन कभी अगर ऑप्शन बदल दिया जाता है, जैसे इस्पात, फिर हो जाता है आपका पानी, अल्कोहल, इस तरह से अगर ऑप्शन मिले तो उसमें हम ऑप्शन जो दिया रहता है उसके अनुसार से हम उसे छांटेंगे। तो हमारा आंसर, चूंकि इस्पात क्या है, ठोस है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो इस्पात में। वो हमारे क्या करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या आंसर कलर करेंगे। नेक्स्ट आता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति जो है उसकी नहीं बदलती, लेकिन चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। नेक्स्ट है कि ताप का प्रभाव, यानी कि ध्वनि पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। ये भी पूछा गया एग्जाम में कि जब ताप बढ़ती है तब इसका ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ता है। आर्द्रता का प्रभाव, यानी कि आर्द्रता का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दाब का प्रभाव।
तो दाब का प्रभाव क्या होता है कि ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी सीधे सीधे अगर आप एक लाइन में जाने तो ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब बढ़ाएं या घटाएं इससे ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आद्र वायु कहने का मतलब है कि हमने अभी क्या बताया, सबसे ज्यादा तो ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में। आद्र मौसम जैसे कि वर्षा के दिनों में होती है, तो दूर से ही मतलब कोई भी रेल या फिर कुछ सायरन वगैरह सुनाई तो हमें क्या होता है, दूर से ही सुनाई दे देती है, क्योंकि मौसम क्या होता है, आद्र वायु। तो आद्र वायु में वायु ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है। अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कहते हैं किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ये भी पूछा जाता है आपको क्वेश्चन में कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति जो धीरे धीरे बढ़ती हुई प्रतीत होती है, वह किस कारण, तो वो भी हमारा डॉपलर इफेक्ट के कारण। नेक्स्ट है कि ध्वनि का प्रभाव हमारे कान में कितने सेकंड तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल पर ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो हमारा आंसर होगा 17 मीटर। प्रतिध्वनि कहने का मतलब है कि जैसे अगर सपोज कीजिए आप किसी खाली हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है, जब आप उसमें कुछ बोलते हो तो आवाज क्या होता है, हमें फिर रिटर्निंग सुनाई देती है। तो यही प्रतिध्वनि सुनने के लिए कहता है कि ध्वनि स्रोत से जो परावर्तक सतह है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो कम से कम 17 मीटर होना चाहिए, तभी हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। नेक्स्ट है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है, यानी कि ये हमारा अधिक से अधिक और ये अच्छा है 45। बट हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि ऐसे भी 100 से जब एवम होता है तो वह हमारे लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है कि एवम 70 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक, यहाँ दिखाई दिया गया 45 डेसिबल क्या हुआ, ये हमारे लिए सर्वोत्तम है और 70 डेसिबल ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।